हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो फिर कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम 10 के पिक्स लेकर आए थे, और तो फिर आज हमने उनके लिए एक फूल बनाया है। दिखा लेकिन मसला ये है कि जो डक्स हैं वो पूल के बजाय गंदे पानी में ज़्यादा घूम रही है। पता नहीं क्या ये मिट्टी खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये खाते ही मिट्टी है दरअसल। तो फिर ये थोड़ा पानी साफ़ है, इसमें मिट्टी कम है या नहीं है वरना ना होने के बराबर है, साफ़ है नीचे। इसमें बाकायदा कीचड़ खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने सोचा है कि हमने ये जो प्लास्टिक लगाई है ना, इसमें ये निकाल दें और फिर इसको इसमें छोड़ें। ये देखे ना कैसे सिर्फ मिट्टी खा रहे हैं, इसमें पानी कम है और इसमें उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। इनको इसमें छोड़ते हैं, अब देखते हैं। ये देख, ये फुल हो जाएगा आस्ते आस्ते, फिर देखना कैसे पानी में गोते लगाती हैं। जब तक ये फुल हो, जब तक वो फुल हो रहा है तो चीज़ों को ना फीड डाल, इन्होंने शोर मचाया हुआ कि इस टाइम पे इनको फीड डाल देना। बाहर आने को देखना, आप सीधा उस पानी में जाएंगे, जगह जाएंगे। पानी कम है, उससे बाहर आया नहीं यार। दोस्तों, इस पानी में ना ये इतना ज़्यादा खुश नहीं है जितना कि गंदे पानी में या कीचड़ वाले पानी में खुश रहती है। इस वजह से मैंने सोचा कि ये जो प्लास्टिक लगाई है ना हमने, ये निकाल देते हैं और इसे इनको छोड़ के देखते हैं। ये इसे हटा देते हैं, क्या हुआ? अरे ये एक अंडा टूटा हुआ पड़ा है इधर, ये सामने अंडा पड़ा है टूटा हुआ। अभी इनको निकालो, ऐसे ही उठाओ। अरे अरे कैसे लहरें आ रही हैं समंदर की। चाप पर फाड़ दो नीचे से। इसमें ये ना मिट्टी खाएंगे, मिट्टी या मिट्टी में और जो कीड़े वगैरह होते हैं ना वो। इनका भी नहाने का दिल कर रहा है, एक एक को उठा के अंदर रख। ये इधर से कहाँ से पानी पी रहे, इनको साफ पानी अच्छा ही नहीं लगता हमारे पास, जहाँ गंदा देख के आ जाते हैं। बाहर आ गए, अभी इसमें थोड़ी मिट्टी खोद दो नीचे। ये ईंटे साइड पे कर देना। अरे इधर क्यों रख रहे हो? मुर्गे मिट्टी नहीं डालेंगे इसमें, पहले कम मिट्टी है। एक को निकालो, दूसरा खुद ही आता है।
रोटी ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन कैसे खा रहे हैं? बाजरा नहीं खाते इतना, रोटी या एक मिट्टी, ये दो चीज़ें खाते हैं बस। और मिट्टी रोटी से भी शौक से खाते हैं, इनको रोटी के साथ ना सालन की जगह वो दे दो मिट्टी लगा के रोटी पे। मैंने उधर मिट्टी में फेंकी थी ना, मिट्टी वाली खा रहे थे, वैसे दूसरी नहीं खा रहे थे, जैसे जा रहे हैं। इसकी आंख, इसकी आंख, इसकी आंख में हुआ है कुछ। कुछ है तो सही है, पता नहीं कुछ लगा है या दाना है मेरे ख्याल में। हाँ दाना हुआ, दूसरों की भी शायद, दूसरे भी पकड़ के चेक करना, बस शायद सारों को हो। ये बस वाइट हो जाए बस, नहीं तो किसी काम के नहीं है हमारे। वाइट तो नहीं होंगे, मुश्किल है। वो तीन ही होंगे वो जो मुर्गी के साथ है। देखे मिट्टी खा रहा है ये, देख कैसे नीचे से जागे, ये देखे फुल बॉडी गया गया। वैसे बिल्कुल फुल नीचे भी चले जाते हैं, जब साफ पानी था ना बिल्कुल एंड से होके आ रहे हैं, जहाँ पे प्लास्टिक लगी हुई थी ना नीचे, वहां तक जाते थे और नीचे से मुंह लगा के आते थे। वो प्लास्टिक में भी ना मिट्टी खाने की कोशिश कर रहे, ये देखे बीच में से चले। ये व्हाइट वाला ज्यादा खा रहा है, ब्लैक वाला नहीं खा रहा। सबको इधर बंद कर दिया है, बाकी यही है जो खाने में मसरूफ है। अरे एक चूजा नहीं पकड़ा जा रहा, अरे पकड़ो वो बाहर आ गए। इसको मैं ला रहा हूँ, सामने खड़े रहो। शुक्र है चले गए। अरे सही, बंद फिर आ जाएंगे, ये बाहर आ गए इधर घूम रहे। अभी मुर्गी को खोल लो, मारेगी तो नहीं इनको बटकों को। दोस्तों ये काफी देर रहा थे पानी में से, बाहर आ गए मिट्टी वगैरह खा के सही तरीके से। अब इनको अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि हमें जाना है। अब इनको अगर ऐसे ही यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये अगली जब वापिस आएंगे तो मिलेंगे नहीं यहाँ पर, या बिल्ली ले जाएगी या कौवा वगैरह उठा कर ले जाएगा। ये रोटी भी ना इनके अंदर ही रहते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।